ओके जी, फाइनली फाइनली अभी हमारी मॉनसून की सीरीज शुरू हो रही है। सुबह निकलने वाला था 6 बजे, 6 के बज गए 7, 7 के बज गए 8 और अभी देखो। तो इस प्रकार हमारी मॉनसून ओडिसी का फर्स्ट एपिसोड शुरू हो रहा है। हेलो गाइस, स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अभिषेक, एंड आई नो कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक का बटन जरूर दबाना। अभी हम लोग निकल रहे हैं, मैं और सागर, सागर इज जॉइनिंग मी। चलो निकलते हैं। दोस्तों, बाइक पे घूमने का मजा ही कुछ अलग है। वो कहते हैं ना बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। और इसी जिंदगी को बड़ा बनाने हम निकल पड़े इस बारिश में सह्याद्री की खूबसूरत वादियों की ओर, एक ऐसी जगह जहां लोग ज्यादा नहीं जा पाते, अंग्रेजी में बोले तो ऑफ बीट लोकेशन। तो फाइनली 2 घंटे बाद हम लग चुके हैं मुरबाद के रोड पे। मुरबाद ज्यादा नहीं है, बस 15 किलोमीटर है। और ये हेलमेट पे माइक सेटअप फर्स्ट टाइम मैंने किया, तो पता नहीं इसका साउंड कैसा आ रहा होगा। और ये टेस्टिंग भी एक्चुअली अपनी जो बड़ी राइड है उसके लिए। कितना खूबसूरत रास्ता है यार, इतना बढ़िया लग रहा है। अभी तो और खूबसूरती आपको दिखाऊंगा मैं। देखो देखो आगे देखो, सागर जी आइए आइए, देखिए सागर जी। अरे निंजा ड्यूक क्या है वो, बाबा बड़े लोग है क्या है, बड़े बड़े गाड़ियां लेते लोग। वैसे आज हम जा रहे हैं काड़ू वाटरफॉल्स, काड़ू धबधबा। ये है मालसेज घाट के जस्ट पैरेलल, बाजू में ही है, लेकिन उसका रास्ता थोड़ा सा अलग जाता है। तो वहाँ पे जाने के भी 2 ऑप्शंस है, एक तो नीचे भी जा सकते हैं, नहीं तो वाटरफॉल के ऊपर भी जा सकते हैं। तो हम लोग पहले अभी ऊपर जा रहे हैं। अरे बारिश शुरू हो गई यार, पन्नी लगानी पड़ेगी। हाँ भाई, पावसा मध्ये भजी नाही खाल्ली तर काय खाल्लं? कांदा भजी खायची, कांदा भजी ना एकदम। त्याच्यानंतर चहा। दोस्तो, बारिश में वडापाव नाही खाया तो क्या खाए। मुरबाद चा फेमस वडापाव, आई डोंट नो फेमस है क्या, लेकिन निर्वाणा भाई। भाई गरम गरम है, कैसी खा ले। देखो भाई, जितनी भी नदियां हम देख रहे हैं सब टाइट भर के बह रही है, फिर भी ये कम है थोड़ी। और ये देखो ग्लव्स, ये देखो आपके भाई, आज फुल झगमग चल रहा है अपना। घाट का माउंटेन लाइन बहुत ही अद्भुत, अलौकिक। ये देखो अंदर क्या चल रहा है, अरे पार्टी, अरे पूरे बोनेट में बैठ के, अरे आगे भी पार्टी चालू है। कभी कभी ऐसा लगता है ये सफर कभी खत्म ही ना हो, बस चलता ही रहे और हम इन यादों के दरिया में डूब जाए। क्या करें, मौसम ही कुछ ऐसा है। हाय 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 हाय, ये देखिए वाह। और जैसे कि हम अभी वीकडे में आए हैं तो कोई भी हमको राइडर नहीं दिखा, मतलब हार्डली 1-2 लोग दिखे होंगे ज्यादा से ज्यादा। और ये देखो तो सही कितना ड्रीमी लग रहा है ऊपर। ओके ऑफ रोड। वैसे आप लोग और भी मुझे सजेशंस दे सकते हो कि मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ ऑफ बीट लोकेशंस। अभी ये रुकाएंगे क्या? मुझे लगता है मेन मतलब ये चेक कर रहे हैं कि दारू पिया है क्या। ए देख, ए इसको रुकाओ भाई, ये क्या कर रहे है। अरे बाप रे, क्या खाट लेके जा रहे हैं यार, मानना पड़ेगा। 4-4, 5-5 खाट, वो भी स्प्लेंडर पे। अरे आपल्याला पाहिजे पैनियर, टॉप बॉक्स। जैसे ही हम ऊपर आ रहे हैं वैसे ही टेम्परेचर जो है वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है, बहुत ही प्लेजेंट फील हो रहा है। और नीचे देख सकते हैं आप, काफ़ी ब्राइट है, लेकिन अभी हम लोग माउंटेन क्लाउड्स में जा रहे हैं। हाय हाय वाह वाह, दिस इज ब्यूटीफुल बे, ओ माय गॉड, जबरदस्त भाई।
और ये देखो ये ऊपर से जब पत्थर गिरते हैं ना तो ये नेट बना के रखिए तो इस पे गिरते हैं। ओह माय गॉड, अरे बाप रे, काय मैजेस्टिक पहाड़ है। अरे वाटरफॉल वाटरफॉल, बट दिस इज वेरी रिस्की, तो इसको मैं प्रमोट नहीं कर सकता। ये मत करो गाइस, बहुत रिस्की है। कोई कार आ गई फास्ट, कुछ हो गया, पत्थर गिर गया, यू नेवर नो। वाओ, लद्दाख ऑफ महाराष्ट्र, मार्सेस घाट, जय शिवराया। ये रहा वो स्पॉट, व्हाट एन एंगल, वाओ। ये देखो, सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। 10:30 बजे निकले, 3:30 बजे इधर पहुंचे, क्या चल रहा है, 5 घंटे लग गए इधर पहुंचने को। 8 बजे कुछ खा लेते यार, काफी भूख लगी है, लंच टाइम भी हो चुका है, अपने पास मैक्स प्रोटीन है तो उससे अपना पेट भर जाएगा आराम से। वैसे ऐसी जगह पे खाना खाना बहुत बेस्ट लगता है। वैसे यहाँ पे खाने का ऑप्शन तो है लेकिन जंक हम खाना नहीं चाहते यार, इसीलिए मैंने लाया है मैक्स प्रोटीन का 7 ग्रेन ब्रेकफास्ट कुकीज। तो एक मेरे लिए, एक सागर के लिए, और भी है अपने पास। और ये खाने के बाद हमको 2 घंटा आराम से भूख भी नहीं लगेगी। इनफैक्ट इसमें 12 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है, 8 ग्राम्स ऑफ फाइबर है, कैल्शियम है, 9 मैदा और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स इंक्लूडिंग 7 इम्पोर्टेंट ग्रेन्स जो आपकी न्यूट्रिशन में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। और 12 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड कैल्शियम इक्विवेलेंट टू 1 ग्लास ऑफ मिल्क, मतलब एक खाएंगे तो 1 ग्लास ऑफ मिल्क का आपको कंटेंट मिल जाएगा, हेल्थ बेनिफिट्स मिल जाएंगे। तो ये ब्रेकफास्ट क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है फॉर ऑन द गो स्नैक या सुबह का ब्रेकफास्ट या 5 PM की छोटी भूख या जब भी आप खाना नहीं खा सकते, जंक अवॉइड करना चाहते हैं, जो आपको 2-3 घंटा निकालने हैं, बहुत ही अच्छा हेल्दी ऑप्शन है। इनफैक्ट ये खाने के बाद आपको भूख भी नहीं लगेगी 2 घंटा और आपको हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलेंगी। और इसके खाने का एक और आपको बढ़िया ऑप्शन मैं देता हूँ, इसको आप अगर हल्का सा गर्म करेंगे ओवन में 2-3 मिनट तक, परफेक्ट गर्म हो जाता है और चाय कॉफी के साथ मस्त लगता है, प्लस काफी टेस्टी भी है। तो चलो मैं खा लेता हूँ। आप लोग भी, आप राइडिंग करोगे, ट्रैवलिंग करोगे या तो आपको एक हेल्दियर ऑप्शन चाहिए तो आप इसको स्टॉक अप करके रख सकते हो। एंड यूजिंग माय कूपन कोड आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन मैक्स प्रोटीन वेबसाइट, नीचे डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तेरा डाइट शुरू है ना? यस भाई, दिस इज बेस्ट फॉर योर डाइट। थैंक यू यार, बाहर कुछ खा नहीं सकता, इसमें तो प्रोटीन है भाई, यूजफुल फॉर यू, टेस्टी है ना। आता जाओ अपन आपले मेन स्पॉट पर, ज्याच्यासाठी आपण आलो। वाह, छोटा सा टनल है। तो देखो ये वाला टर्निंग आपको याद रखना है, यहाँ पे एक मोबाइल का टावर है, अब यहाँ पे बोर्ड है कुछ, लेकिन ये चेंज हो सकते हैं। तो यहाँ से एक लेफ्ट जाएगा, आपको इसे हाइट पे दिख जाएगा पूरा डैम। वैसे हमारे पीछे आप देख रहे हैं पिंपल गांव जोगा डैम, जहाँ आप कैंपिंग, फिशिंग, साइट सीइंग काफी कुछ कर सकते हो, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। ओके गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, सीधा सीधा आओगे ना यहाँ पे एक नागेश्वर मंदिर आपको मिलेगा, यहाँ से आपको टर्न मिलेगा। वैसे लोगों को पूछ लेना तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ से हम लोग ले रहे हैं अभी लेफ्ट, अब यहाँ से आगे कैसा बढ़े देखना पड़ेगा, थोड़ा फिगर आउट करते हैं हम यहाँ से एग्जैक्टली कहाँ जाना है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमको रास्ता बना के जाना पड़ेगा, क्योंकि बारिश की वजह से ये जो रोड जैसा है वो दिख नहीं रहा है। तो वो लोग जा रहे हैं तो उनको हम अभी फॉलो कर रहे हैं। बाप रे, ओके, अरे क्या एक्सपीरियंस है भाई, ओ तेरी के भाई, ओ हाँ, सरल सरल जायचं, मराठीत आहे, थँक्यू दादा। मला वाटलं तुम्ही तिकडे चालले भजी वगैरे बनवायला, अच्छा उद्या लावणार। क्या नजारा है भाई साहब, काळू वॉटरफॉल की तरफ जाना इतना भी आसान नहीं था,
लेकिन आसान रास्ते में हम जाते भी तो नहीं है। बस आप यहाँ आए तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि बारिश में ऑफ रोड बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। भाई साहब इकड़े बघ, अरे बादल उल्टा जा रहा है। ये है रिवर्स वाटरफॉल। अभी आप सोचेंगे रिवर्स वाटरफॉल, तो आपको दिखाता हूँ। ये वाटरफॉल का पानी नीचे जा ही नहीं रहा है, वो ही ऊपर जा रहा है और पूरा क्लाउड ऐसा पहाड़ के ऊपर से बह रहा है। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। हवा बहुत तेज है और यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, ये वाटरफॉल उड़ के हमारे ऊपर बारिश की तरह बरस रहा है। वैसे यहाँ पे पहुंचना काफी चैलेंजिंग था, हमको लग गया ऑलमोस्ट 5 घंटे, ब्रेक्स ले के आए ऑफकोर्स हम, लेकिन वो चैलेंज ही क्या जिसमें खुशी ना मिले। तो यहाँ पे काफी सारे लोग एज पे बैठते हैं और फोटो के लिए, सोशल मीडिया के लिए, और वहां से नीचे गिर जाते हैं, कोई ऑप्शन नहीं, सीधा भगवान के पास। तो प्लीज ऐसा ना करें और एंजॉय द नेचर यार, और यहाँ पे कचरा मत करना, बस इतनी ही मेरी आपसे दरखास्त है। और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक जरूर करना, बहुत मेहनत लगती है सब करने में। सच में दोस्तों, ये जगह आपका दिन बना देगी। भले ही आपको यहाँ आने में बहुत वक्त और मेहनत लगी हो, यहाँ आके आपको राहत जरूर मिलेगी, इसकी मेरी गारंटी। और ऐसी ही राहत की खोज में मैं अभिषेक हमेशा लगा रहता हूँ। लेकिन वो भी करेंगे, टेंटिंग कैंपिंग थोड़ा करते हैं यार। 5:30 बज गए तो काफी लेट हो गए हम लोग, बट आई होप आपने एंजॉय किया है। ऐसी और जगह आती रहेगी। सागर तो फुल रेडी हो गया है भाई, अभी तू पता कब आना है, मैं आऊंगा, वीकडे भी चलेगा। टोटली वर्थ इट, दिस प्लेस इज टोटली वर्थ इट। तो यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी, सागर के बाइक की हवा कम हो गई थी, तो फॉर सम रीजन आई डोंट नो पंचर, आई होप ना हो। अब काफी टाइम हो गया, हम लोग ऑलमोस्ट 6 बज गए और ये देखो वेदर पूरा खराब हो गया, एकदम खतरनाक वाली हवा शुरू है और बारिश भी शुरू हो गई। पता नहीं है बारिश है कि वाटरफॉल का पानी है, लेकिन इट्स गेटिंग वेरी टफ और हमको बहुत बड़ा ऑफ रोड अभी क्रॉस करना है। चलो, इसके पहले कि आप कमेंट करके मेरी प्रशंसा करें, थैंक यू सो मच गाइस। ये पहला ऐसा वीडियो मैंने बनाया मेरे यूट्यूब चैनल पे जो थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग, सिनेमैटिक्स थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे है, तो आई होप आपको पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा तो और एपिसोड्स आने वाले, ये तो बस पहला एपिसोड था, और तो और इससे बेहतर जगह हम ढूंढ के निकालेंगे और आने वाले महीनों में हम उनको कवर करेंगे। वैसे प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये वीडियो बनाने के लिए मुझे ऑलमोस्ट 10 से 11 घंटों की एडिटिंग लगी, सो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना और शेयर करना ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, ताकि आप ये ऐसे टाइप की ट्रिप्स जो है वो प्लान कर सको। वैसे डोंट फॉरगेट टू सजेस्ट मोर सच प्लेसेस, ऑफ बीट प्लेसेस इन महाराष्ट्र, अराउंड मुंबई, पुणे, कोंकण आसपास, जहां मैं जा सकता हूं और 1 डे में या 2 दिन में वापस आ सकता हूं और ऐसा कंटेंट शूट कर सकता हूं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता हूं आपसे अगले व्लॉग में। तो खुश रहो, आबाद रहो, भटकते रहो, और काउंटडाउन शुरू हो चुका है लॉन्ग राइड का, बस 4 दिन, 4-5 दिन, और गेस कर सकते हो कहां जा रहा हूं। मेरा मेरी फेवरेट प्लेस है, और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, वहां पे एक से एक रील मैंने शूट किया। बस ये वीडियो जैसा है ना वैसे ही रील्स शूट करके डाली है, और आने वाले दिनों में लॉन्ग राइड के अपडेट्स इंस्टाग्राम पे स्टोरीज आ जाएंगे।